dear students now we are going to learn how to identify duplicate cases in spss uh, duplicate cases are those cases which are considered duplicates if their values match for all selected variables uh, duplicate cases can occur in your data for many reasons including data entry errors in which the same case is accidentally entered more than once or sometime the students uh, try to कॉपी पेस्ट द डाटा टू इंक्रीज द सैम्पल साइज़ क्या होता है कि आप डाटा uh, एंटर कर रहे हैं अन इंटेंशनली आपसे कोई एक केस दो या तीन दफ़ा एंटर हो गया uh, या फिर जब स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उन्होंने अपना सैम्पल साइज़ बढ़ाने के लिए uh, जो है केसेस को एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर लिया uh, कि हमारा सैम्पल साइज़ बड़ा हो जाए तो इन ऐसी चीज़ को देखने के लिए कि अगर एग्जैक्ट मैच हैं केसेस तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसके लिए हम डुप्लीकेट केस की कमांड यूज़ करेंगे तो ये जो कमांड है इसके लिए आपको डाटा के टैब पर राइट right क्लिक करना होगा तो इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई डुप्लीकेट केस का टैब नज़र आएगा आप इसको जब राइट right क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको जो है आप पूछा जाएगा कि आप आ, किन वेरिएबल्स को मैच करना चाहते हैं बेसिकली uh, तो सॉफ्टवेयर में 40 वेरिएबल्स uh, तक जो है ईज़िली वो मैच कर देता है तो हमारे इस डाटा सेट में ये कोई आठ दस वेरिएबल्स हैं तो हमने uh, जो है उसको सेलेक्ट किया और इसको फर्स्ट विंडो में जैसा कि इधर दिखाया गया है सिलेक्ट uh, करके लाया गया और बाकी जो है हमने ये जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं ये वैसे ही रहने दी और इसको हमने सेलेक्ट करने के बाद ओके के बटन पे क्लिक किया तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि जो आपका एक वेरिएबल और बन के आ जाएगा प्राइमरी लास्ट का इसमें क्या होगा कि जो आपका डुप्लीकेट केस है उसको जो है वो ज़ीरो कैटेगरी और जो जो आपका प्राइमरी केस है उसको वन कैटेगरी देकर आइडेंटिफाई किया गया होगा जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो जीरो है उसको डुप्लीकेट कंसिडर कंसिडर किया गया है और जो वन है उसको प्राइमरी केस कंसिडर किया गया तो ऐसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आउटपुट व्यू में आपके पास ओवरऑल समरी आ जाएगी कि आपके डाटा सेट में Uh, कितने प्राइमरी केसेस थे और कितने डुप्लीकेट केसेस थे तो यहाँ पर जो हमने जो डाटा सेट इस्तेमाल किया वो टोटल ट्वेंटी वन का सैम्पल था उसमें से पंद्रह डुप्लीकेट केस थे और सिक्स एक्चुअली प्राइमरी केस थे ओरिजिनल केस थे तो आप डाटा uh, क्लीनिंग के वक्त ये कमांड यूज़ करते हुए ऐसे केसेस को डिलीट कर सकते हैं जो कि डुप्लीकेट हों जो अन आ गए हों या किसी वजह से किसी डाटा एंट्री Uh, करने वाले ने वो डुप्लीकेट uh, केसेस जो हैं वो ऐड कर दिए हूँ